कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि गैर तो छोड़िए, मौके पर अपने भी राहुल गांधी से किनारा कर लेते हैं। ऐसे में राहुल गांधी इस कांग्रेस के ऐसे नेताओं के सहारे आगे कैसे बढ़ पाएंगे और पार्टी को दिल्ली की सत्ता कैसे दिलवा पाएंगे, जिसके लिए इन दिनों वे भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। असल में मामला राहुल गांधी की महंगाई विरोधी रैली का है। राहुल गांधी ने बड़े ही अरमानों के साथ रैली का आयोजन करवाया था। गांधी परिवार के विरोधी मनीष तिवारी और आनंद शर्मा इस रैली में शामिल नहीं हुए, लेकिन बड़ी बात यह कि नेताओं की जिस फौज को लेकर कमलनाथ दिल्ली पहुंचे, उनमें से करीब 50 नेता ट्रेन में बैठे तो दिल्ली जाने के लिए। उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई, लेकिन ट्रेन के चलने से पहले वे पिछले दरवाजे से उतरकर अपने अपने घर चले गए। कुछ तो ऐसे भी थे जो किसी कारणवश उतर नहीं पाए, वो अगले स्टेशन पर उतरकर खिसक गए। खिसकने वाले नेता कोई मामूली और ब्लॉक स्तर के नेता नहीं थे। इनमें प्रदेश के महासचिव, सचिव से लेकर जिला अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के प्रभारी तक शामिल हैं। चुनाव में हार जाने वाले कांग्रेस के कई उम्मीदवार भी इसी लिस्ट में हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर महंगाई के विरोध में हल्ला बोल रैली की थी। रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आदेश जारी किया था और कहा गया था कि संगठन के सभी पदाधिकारियों को साथियों समेत दिल्ली पहुंचना है। लेकिन इंदौर के कांग्रेस नेताओं ने कमलनाथ के निर्देश का मजाक बनाकर रख दिया। जिन नेताओं को पार्टी ने अहम पदों पर जिम्मेदारी दी है, वे भी दिल्ली नहीं गए। कई नेताओं ने तो ट्रेन के सामने फोटो खिंचवाकर दिल्ली जाने का दावा किया, लेकिन फोटो खिंचवाकर और वीडियो बनाकर ट्रेन के चलते ही पिछले दरवाजे से निकलकर अपने घर पहुंच गए। कुछ अगले स्टेशन पर उतर गए। कांग्रेस को कलंकित करने वाला ऐसा कारनामा पहले कभी नहीं हुआ। इन नेताओं का झूठ पकड़ने के बाद इंदौर से भोपाल तक शोर मच गया। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ इस घटना के बाद से खासे नाराज हो गए और उन्होंने 50 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये सभी नेता पार्टी के मोर्चा, संगठनों और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं। इन सभी की कुर्सी छीनी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।